जय जिनेन्द्र, आज का क्लास शुरू करेंगे। परमात्मा का 11 चौमासा हमने कल देख लिया। चमरेंद्र ने प्रभु का कुशल पूछा है, वो भी 11वें चौमासे में। चमरेंद्र का आना मेंढिक नामक ग्राम में, और चमरेंद्र की उत्पत्ति, चमरेंद्र का अक्षरा, वो सब ये 11 चौमासे में ही हुआ। उसके बाद अंतिम उपसर्ग है प्रभु का 12वां चौमासा, षण्मास नाम के ग्राम में जाकर बाहर के उद्यान में प्रभु ध्यान लगाकर खड़े रहे हैं। प्रभु के पास एक ग्वाला अपने बैल को छोड़कर गांव में चला गया है। फिर वो वापस आया, आकर उसने पूछा कि हे देवार्य, मेरे बैल कहाँ है? प्रभु मौन रहे तो वो और क्रोधित हो गया और प्रभु के कानों में, क्या आपको सुनाई नहीं देता है कि आपके कान है नहीं, बह रहे हैं, ये कहकर उसने बांस जो होती है लकड़ी की, दो शलाकाएं ऐसी ठोक दी और ऊपर से उसने बाहर से उसको काट दिया, और जिससे वो अंदर परस्पर एक दूसरे से मिल गई, ऐसी उसने अंदर तक ठोक दी। बाहर से अग्रभाग से उसको कतर भी दिया ताकि किसी को मालूम भी ना पड़े। अब करके वो चला गया। अब ये प्रभु का ये उपसर्ग था जो उनके कर्म के अधीन ये उनको मिला था। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उन्होंने जो शैया पालक के कानों में शीशा डालकर, तपा हुआ शीशा डालकर जो कर्म उपार्जन किया था, वो अब वीर प्रभु के भव में उदय में आया था। वो शैया पालक भी अनेक भव करने के बाद ग्वाला बना था। वो ही शैया पालक जब परमात्मा सामने आया तो उसको अपने कान का कर्म याद आ गया, अपने साथ हुए कर्म को उसकी मति में ध्यान में आ गया, और उसने प्रभु के कानों में बांस ठोक दी जैसे उसके कानों में प्रभु ने शीशा डलवाया था। तो यही कर्म का बंधन है, जो अपने आप जिसको जैसे कर्म को भुगतना है वो व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है, और चाहे प्रभु का भव हो या कोई भी हो, आपको उसको भोगना भी पड़ता है। शैया पालक भी अनेक भव करके ग्वाला बना था। वहाँ से प्रभु अपापा नगरी में गए। कान में अभी भी खिले ठोके हुए ही है। प्रभु नगरी बदल रहे हैं, अपापा नगरी में गए हैं, मध्यम अपापा में। वहाँ पर सिद्धार्थ नामक वणिक के घर भिक्षा के लिए आए हुए प्रभु को देखकर, सिद्धार्थ नामक एक वणिक है, उसके घर में प्रभु भिक्षा के लिए आए हैं। वहाँ पर उनको खरक नाम के वैद्य ने उनको देखा, प्रभु को देखा। प्रभु के चेहरे पर हुई पीड़ा से उसके ध्यान में आया कि कुछ वैद्य था, इसलिए उसको लगा कुछ गलत हुआ है, और उन्होंने प्रभु को शल्य सहित जाना, पीड़ा सहित जाना। फिर उस वणिक ने वैद्य को उद्यान में साथ लेकर आए और उन सलाकाओं से, प्रभु के कानों में से संडासी से उसको खींच लिया, सांसी पकड़कर, जैसे पकड़ से खींचते वैसे। और जब लगी थी तब तो प्रभु के उतने मुंह से कुछ नहीं निकला था, लेकिन जब उसको निकाला गया तब प्रभु से जोर से आराटी की, जिससे प्रभु ने ऐसी आराटी की, ऐसी चीख निकल गई कि सारा उद्यान भयंकर हो गया। और वहाँ पर जो पर्वत के नीचे बैठे थे वहाँ पर एक बड़ी तिराड़ सी बन गई चीख के कारण। और ये आज आपको ब्राह्मण यहाँ राजस्थान में तीर्थ है जहाँ पर आपको ये मिलेगा, जहाँ पर प्रभु को ये उपसर्ग हुआ था। ब्राह्मण वाड़ा में ये उपसर्ग हुआ था, और वहाँ पर तब परमात्मा के उस समय जब ये बना था वो उद्यान में देव मंदिर भी बनवाया था, तो इसी कारण से यहाँ पर आपको ब्राह्मणवाड़ा में ये उपसर्ग स्थान आज भी मौजूद है। जो पर्वत में जो तिराड़ बन गई थी वो भी आज मौजूद है, उसके दर्शन करने चाहिए।
फिर प्रभु संरोहिणी नामक औषधि से निरोगी हो गए। प्रभु को औषधि भी दी गई, उसका नाम था संरोहिणी, उससे प्रभु निरोगी भी हो गए। वो वैद्य और वह वणिक दोनों मर के स्वर्ग में गए हैं। प्रभु को पीड़ा हरने के कारण पुण्य का कर्म बांधा और वो दोनों देवलोक चले गए। ग्वाला मरकर सातवीं नरकी में गए। इस प्रकार ग्वाला से ही उपसर्ग शुरू हुए और ग्वाले पे ही उपसर्ग समाप्त भी हुए। पूर्वोक्त उपसर्गों में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट विभाग है। कठपुतना का शीतोपसर्ग जघन्य से उत्कृष्ट समझना चाहिए, कालचक्र का मध्यम से उत्कृष्ट जानना चाहिए और कानों में शलाकाओं का निकालना उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझना चाहिए। उन सब उपसर्गों को श्री वीर प्रभु ने सम्यक प्रकाश से सहन किया। अब श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु अणगार हुए हैं। इरिया समिति गमनागमन में प्रवृत्त उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। भाषा समिति वाले तथा याचना समिति 42 दोष रहित भिक्षा ग्रहण करने में उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। आदान भंड मत निखेवना समिति उपकरण वस्त्र मिट्टी के बर्तन पात्र वगैरह ग्रहण करने रखने उठाने में उपयोग युक्त प्रवृत्ति वाले हुए। पारिष्ठा पनिका समिति विष्ठा मूत्र थूक श्लेष्म शरीर का मैल इत्यादि को त्यागने में वो सावधान हुए। यद्यपि प्रभु को भंड और श्लेष्म आदि ना होने से ये संभवित नहीं, तथापि पाठ अखंडित रखने के लिए ऐसा कहा गया है। इस प्रकार प्रभु मन वचन और शरीर की उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए एवं इस गुप्त एवं गुप्तेंद्रिय तथा वस्ती आदि नव वाड़ों से सुशोभित ब्रह्मचर्य को वो पालते हैं। अतः गुप्त ब्रह्मचारी हुए क्रोध मान माया और लोभ रहित एवं अनंतर वृत्ति से शांत बहिर्वृत्ति से प्रशांत और दोनों वृत्तियों से उपशांत तथा सर्व प्रकार से संताप से रहित हुए। हिंसादि आश्रय द्वार की वृत्ति से पाप कर्म बंधनों से प्रभु रहित हुए। ममता रहित तथा द्रव्यादि से रहित छिन्न ग्रंथ सुवर्णादि की ग्रंथि से रहित हुए। द्रव्य भाव रूप मल के निर्गमन से निरूपमेय हुए। उसमें द्रव्य जल शरीर से उत्पन्न होने वाले मैल भाव मल कर्म से उत्पन्न होने वाला मल दोनों से रहित हुए। इस तरह कांसी का पात्र पानी में से मुक्त रहता है, वैसे ही प्रभु भी स्नेहादि जल से विमुक्त रहते हैं। शंख के समान रागादि से न रंगे जाने के कारण निरंजन हुए। जीव के समान सब जगह स्खलना सही रहित गति करने वाले हुए। आकाश के समान निरालंबन वायु के समान अप्रतिबद्ध विहारी शरद ऋतु के जल के समान निर्मल विशुद्ध हृदय वाले कमल पत्र पर जैसे लेप नहीं लगता त्यों प्रभु को भी कर्मलेप नहीं लगता। कछुए के समान गुप्तेंद्रिय गेंडे के सिंह के समान मात्र अकेले ही पक्षी के समान परिवार रहित भारंड पक्षी के समान प्रमाद रहित। भारण पक्षी के युग्म का एक ही शरीर होता है परंतु दो मुख होने से दो ही गर्दन होती है, पैर तीन होते हैं, मनुष्य की भाषा बोलने वाले होते हैं। दोनों मुख से खाने की इच्छा होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, अतः वह अत्यंत अप्रमादी सावधान रहकर जीता है। हाथी के समान कर्म रूप शत्रुओं को हरने में समर्थ होता है। वृषभ के पास अंगीकृत व्रत मार्ग को वहन करने के समर्थ परिशहादी पशुओं से अजीत सिंह के समान मेरु पर्वत के समान अचल समुद्र के समान गंभीर हर्ष शोक के प्रसंगों में समान भावधारी चंद्रमा के समान शीतल सूर्य के समान देदीप्यमान और तेजस्वी पृथ्वी के समान सहनशील घी आदि से भली प्रकार सिंचित किए हुए अग्नि के समान तेज से जाज्वल्यमान हुए प्रभु को किसी भी जगह पर प्रतिबंध नहीं है। ये प्रतिबंध निम्न चार प्रकार से होता है, द्रव्य से क्षेत्र से काल से और भाव से। उसमें भी द्रव्य से सचित अचित और मिश्र तीन प्रकार का प्रतिबंध होता है। सचित द्रव्य आदि अचित द्रव्य आदि
सचित द्रव्य स्त्री पुत्र पुरुष आदि, अचित द्रव्य यानी कि आभूषण वस्त्र आदि, और मिश्र द्रव्य में आभूषण आदि से युक्त स्त्री बराबर वस्त्रों से युक्त पुरुष, ऐसे क्षेत्र से किसी ग्राम में नगर में अरण्य जंगल में धान्य उत्पन्न वाले क्षेत्र में खल यानी धान्य के छिलके को जुदे अलग करने के स्थान में घर घर के आंगन में अथवा आकाश में और काल से समय जैसे अति सूक्ष्म काल में अति सूक्ष्म काल में आवली असंख्य समयों वाली आवली में श्वासोच्छ्वास वाले काल में स्तोक सात उच्छ्वास प्रमाण काल में क्षण घड़ी के छठे भाग प्रमाण वाले काल में लव सात स्तोक प्रमाण वाले काल में एवं मुहूर्त रात्रि दिन पक्ष मास ऋतु अयन अथवा वर्ष पर्यंत तक के काल में तथा युगादि दीर्घ काल में अब भाव से क्रोध में मान माया और लोभ में भय हास्य प्रेम द्वेष क्लेश मिथ्या कलंक चुगली दूसरों की निंदा मोहनीय के उदय से पैदा होती हुई रति अरति में कपट सहित मृषावाद में और मिथ्यात्व रूपी अनेक दुखों के हेतु रूप शल्य में इस प्रकार पूर्वोक्त स्वरूप वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रभु को कहीं पर भी प्रतिबंध नहीं था। श्री महावीर प्रभु वर्षा काल के चार मास छोड़कर शेष आठ मास में ग्राम में एक रात्रि और नगर में पांच रात्रि तक रहते थे। प्रभु कुहाड़े का घाव और चंदन का लेप करने वाले पर भी समान भाव रखने वाले थे। कोई कुहाड़ी मारे तो भी संभावी, कोई चंदन का लेप लगाए तो भी संभावी। ऊन मणि सुवर्ण और पत्थर में एक समान दृष्टि रखने वाले थे। सुख दुख में भी समान दृष्टि वाले थे। इस लोक तथा परलोक में प्रतिबंध रहित थे एवं जीवित और मरण में इच्छा से रहित थे। संसार रूप समुद्र में के पार को पाए हुए कर्म रूप शत्रुओं का नाश करने के लिए उद्यमवान होकर प्रभु विचर रहे थे। इस प्रकार विचरते हुए अनुपम ज्ञान से अनुपम दर्शन से अनुपम चारित्र से आलय यानी स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के संसर्ग से रहित स्थान में रहने से अनुपम विहार से अनुपम पराक्रम से अनुपम सरलता से अनुपम निर अभिमानिता से अनुपम लाघवता से अनुपम क्षमाशीलता से अनुपम निर्लोभता से अनुपम मनोगुप्ति आदि से अनुपम संतोष से अनुपम सत्य संयम तथा बारह प्रकार के तप आचरण से और अनुपम मोक्ष मार्ग से यानी कि पूर्वोक्त गुणों के समूह के कारण आत्मा का ध्यान करते हुए प्रभु महावीर को चार वर्ष बीत गए। इतने समय में प्रभु ने जो जो तप किया वो एक छमासी तप एक छमासी तप में एक पांच दिन न्यून फिर नौ चार मासी तप फिर दो तीन मासी तप दो ढाई मासी तप फिर से दो छः मासी तप दो छः दो मासी तप दो डेढ़ मासी तप बारह मास क्षपण बहत्तर पक्ष क्षपण फिर भद्र प्रतिमा दिन दो दो दिन की महाभद्र प्रतिमा दिन चार सर्वतभद्र प्रतिमा दिन दस छठ दो सौ उनतीस छठ बारह अठम पारणा तीन सौ उनचास दीक्षा एक दिन सर्वाग्रम वर्ष बारह मास छः दिन और पंद्रह घड़ी बारह वर्ष छः मास और पंद्रह दिन बारह वर्ष छः मास और पंद्रह दिन में प्रभु ने इतने तप किए। उपरोक्त सर्व तप प्रभु ने पानी रहित किया था और उस साढ़े बारह वर्ष के दरमियान एक उपवास या नित्य प्रतिभोजन भी प्रभु ने नहीं किया था। अब प्रभु को केवल ज्ञान का समय आ गया। प्रभु का केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं। जब भगवान की दीक्षा का तेरहवां वर्ष चल रहा था तब ग्रीष्मकाल के दूसरे महीने के चौथे पक्ष में यानी कि ग्रीष्मकाल
उसका दूसरा महीना और चौथा पक्ष, तो वैशाख महीना वो उसका ग्रीष्मकाल का दूसरा महीना है, तो उसका चौथा पक्ष है वैशाख शुक्ल पक्ष, और उसकी दसवीं के दिन पूर्व दिशा की तरफ छाया जाने पर, जो हमने पहले ये डिस्कशन हो गया है कि जब सूर्य मस्तिष्क पर आता है तब बराबर 12 बजे होते हैं, और अब सूर्य पश्चिम की तरफ गमन करता है तब छाया पूर्व की तरफ जाता है। इसके लिए उसके पाहिण गमन में छाया पूर्व में जाएगी, उस समय यानी कि पिछली पोर्सी के समय, दिन की अंतिम पोर्सी, पिछली पोर्सी यानी लास्ट अंतिम वाली पोर्सी, सुव्रत नाम का दिन था, दसवीं को सुव्रत कहा जाता है, ये शास्त्रोक्त नाम है तिथि का, और ये समय विजय मुहूर्त का होता है जो 12:39 को शुरू होता है। झ्रुम्भिक नामक ग्राम नगर के बाहर रुजुवाल्लुका नाम के नदी के किनारे व्यावृत नामक एक पुराने व्यंतर के मंदिर के बहुत दूर भी नहीं और बहुत नज़दीक भी नहीं, ऐसे श्यामक नाम का कौटुंबिक के खेत में साल नामक वृक्ष के नीचे जैसे गाय दुहने बैठते हैं, उस तरह गो दुहिका आसन में, गाय दुहने के आसन में उत्कटित आसन से बैठकर आतापना लेते हुए, जल रहित छठ की तपस्या करते हुए, चंद्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग आने पर ध्यानांतर में वर्तमान अर्थात शुक्ल ध्यान के जो चार भेद है, ध्यानांतर में वर्तमान यानी कि जो शुक्ल ध्यान के चार भेद होते हैं, पहला है पृथकत्व वितर्क वाला सविचार, दूसरा एकत्व वितर्क वाला अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपाती ध्यान, और चौथा है उच्छिन्न क्रिय अप्रतिपाती ध्यान। उसमें से प्रथम के दो भेद वाले ध्यान को ध्याते हुए यानी कि पृथकत्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार, पृथकत्व वितर्क सविचार यानी कि पृथकत्व किए हुए तत्वों को सविचार विचार सहित ध्यान ध्याना, और एकत्व वितर्क अविचार यानी कि अब एक ही विचार एक ही तर्क के ऊपर, उसमें से जो एक तर्क निकाला है उसी के ऊपर स्थिर हो जाना, उस पर अब विचार नहीं करना, ऐसे स्थिति में आकर प्रभु को, ऐसे दो भेद वालों ध्यान को ध्याते हुए प्रभु को अनंत वस्तु विषयक अनुपम आवरण रहित संपूर्ण तथा सर्व अवयव सहित केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुए। बोलो श्री वीर प्रभु की जय। इस प्रकार केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु अर्हन हुए, अशोक वृक्षादि प्रातिहारे से पूजने योग्य हुए, राग द्वेष को जीतने वाले जिन हुए, केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुए, देव मनुष्य और असुर सहित लोक के पर्यायों को जानने तथा देखने वाले हुए, तथा सर्व लोक में रहे हुए सर्व प्राणियों की गति आगति उत्पत्ति तथा सर्व जीवों द्वारा मन से चिंतन किया, वचन से बोला हुआ तथा काया से आचरण किया हुआ भोजन फलादि चोरी आदि कार्य, मैथुन सेवन आदि गुप्त कार्य तथा प्रकट कार्य, जो सब जीवों का सब कुछ जानते हुए भी भगवान विचरते हैं, तीन लोक के सर्व पदार्थ हाथ में लिए हुए आंवले के फल के समान देखने वाले ही होने के कारण उनके सामने कोई भी ऐसी वस्तु या भाव नहीं है जिससे वो ना जानते हो, सर्वकाल सर्व भूत भविष्य वर्तमान सब प्रभु को पता है, कम से कम करोड़ देव उनकी सेवा में रहने से जो एकांत के वास को कभी प्राप्त नहीं होते हैं प्रभु, कम से कम करोड़ देव उनकी सेवा में रह रहे हैं, ऐसे प्रभु मन वचन काया के योगों में यथा योग्य तथा प्रवर्तमान संसार के समस्त प्राणियों के सर्व भावों को जानते हैं और देखते हैं और वो विचरण कर रहे हैं। सर्व अजीव धर्मासिकाय आदि के भी सर्व पर्याय को प्रभु जानते हैं।
संपूर्ण लोक के जीव अजीव सर्व पर्याय को प्रभु जानते हैं, धर्मासिका अधर्मासिकाय घनो दधि घनवाद सबको सबको प्रभु जानते हैं। प्रभु को अब केवल ज्ञान हो चुका है और उस समय एकत्रित हुए देवों ने, एक करोड़ से भी ज़्यादा देव एकत्रित हुए हैं और वो देवों मनुष्य असुरों के प्रति पत्थर वाली जमीन पर पड़े हुए वर्षात के समान क्षण वार में निष्फल देशना देकर प्रभु अपापापुरी के मसेन नामक उद्यान में पधारे। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ देव आए, उन्होंने समवसरण की रचना की, लेकिन इस जगह पर यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं आया, कोई भी मनुष्य झुंभिक नामक नगर के बाहर रुजुवालिका नदी के किनारे में ही समवसरण रचा गया, लेकिन वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं आया। तो ये ऐसा हुआ कि पत्थर वाली जमीन पर पड़े हुए बारिश के बूंदों के समान, क्योंकि पत्थर वाली जमीन पर बूंदे पड़े हैं इसीलिए यहाँ पर खेती नहीं हुई, यानी कि जमीन फलद्रुप भी नहीं थी। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु की देशना क्षण वार में निष्फल हुई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मनुष्य आया ही नहीं था। अब प्रभु वहाँ से निकले हैं, अपापा नगरी के महसेन नामक उद्यान में पधारे। यहाँ वहाँ पर यज्ञ करते हुए सोमिल नाम के ब्राह्मण के घर पर बहुत से ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। उसमें इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ऐसे तीन सगे भाई भी थे और 14 विद्या में सब तीनों के तीनों प्रवीण थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। उसमें सबसे बड़े थे इंद्रभूति। अनुक्रम से पहले को, उसमें अनुक्रम से प्रथम भाई को जीव है कि नहीं उसका उसकी उसका संदेह था, दूसरे भाई को कर्म के मामले में संदेह था और तीसरे भाई को वही जीव और वही शरीर का संदेह था कि जो जीव है वही शरीर है उसका संदेह था। उनके प्रत्येक के साथ 500-500 शिष्य का परिवार था। इसी तरह व्यक्त और सुधर्मा नाम के दो ब्राह्मण उतने ही परिवार वाले और एवं वैसे ही विद्वान थे। अब और दो ब्राह्मण थे व्यक्त और सुधर्मा। क्रम से पहले व्यक्त ब्राह्मण को पंचभूत है या नहीं और दूसरे सुधर्मा ब्राह्मण को जो जैसा है वैसा ही होता है, उस मामले में दोनों को संदेह था, उन्हें भी ये संदेह थे। वैसे ही विद्वान पंडित और मंडित और मौर्य पुत्र और दो भाई थे, मंडित और मौर्य पुत्र। उनके प्रत्येक का 350-350 शिष्यों का परिवार था। क्रम से उनमें पहले को मोक्ष बंध मोक्ष का और दूसरे को देवों के संबंध में संदेह था कि देव होते हैं कि नहीं, एक को बंध और मोक्ष का संदेह था। इसी तरह अकंपित और अचल भ्राता मितार्य और प्रभास नाम के चार अलग दूसरे ब्राह्मण थे। प्रत्येक का 300-300 शिष्य का परिवार था। अनुक्रम से उनमें नारकी है कि नहीं, पुण्य है कि नहीं, परलोक है कि नहीं और मोक्ष है कि नहीं उसका संदेह था। इस प्रकार से उन 11 ही विद्वानों को हर एक को एक एक अलग अलग बात का संदेह था, एक ही बात का संदेह था, लेकिन अंदर अंदर अपने सर्वज्ञपने के जो वहम के कारण और उसके अभिमान के कारण वो एक दूसरे से अपना संदेह पूछना उचित समझते ही नहीं थे। सबको एक ही संदेह हुआ हो था, मतलब कि सबका अपने अपने संदेह का दूसरे से जवाब जरूर मिल सकता था, लेकिन उन लोगों को अपने अभिमान के कारण, जैसे हम सर्वज्ञ नहीं है ये कारण से जो चीज़ नहीं जानते थे वो उन्होंने कभी भी किसी और को पूछा ही नहीं, बराबर, और सब अपने आप को सर्वज्ञ समझते थे। अपने सर्वज्ञपन के अभिमान की क्षति के भय से वो एक दूसरे से पूछते नहीं थे। ऐसे उनके परिवार के 4400 ब्राह्मण और अन्य भी उपाध्याय शंकर, ईश्वर, शिवजी, जानी, गंगाधर, महीधर, भूधर, लक्ष्मीधर, पंड्या, विष्णु, मुकुंद, गोविंद, पुरुषोत्तम, नारायण, दुबे,
श्रीपति उमापति गणपति जयदेव व्यास महादेव शिवदेव मूलदेव सुखदेव गंगापति गौरीपति त्रिवाड़ी त्रिकंठ नीलकंठ हरिहर रामजी बालकृष्ण यदुराम राम रामाचार्य राहुल मधुसूदन नरसिंह कमलाकर सोमेश्वर हरिशंकर त्रिकम जोशी पूनो रामजी शिवराम देवराम गोविंदराम रघुराम और उदयराम आदि बहुत से ब्राह्मण भी वहीं पर एकत्रित हुए थे। उस वक्त प्रभु को वंदन करने के लिए आते हुए सुर और असुरों को देखकर उस वक्त वहां पर प्रभु का समचरण अपापा नगरी के बाहर उद्यान में रचा गया और सारे देव और जो परमात्मा को देव देवी ये सब विमान सहित आ रहे थे वंदन करने के लिए। उसको देखकर वो सुर और असुरों को देखकर वे ब्राह्मण सोचने लगे कि अहो ये हमारा ये यज्ञ यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के दर्शनार्थ ये सारे आकाश से देव उड़ उड़ कर आ रहे हैं तो ये यज्ञ की महिमा कैसी है। जहाँ पर साक्षात देवता आ रहे हैं तो हमारा यज्ञ बहुत ही महिमावंत हो रहा है, परंतु यज्ञ मंडप को तड़ के छोड़ के तज के सारे देव दूसरे रास्ते से आगे निकल गए और बाहर के उद्यान में प्रभु की तरफ जाते हुए देखकर उन्हें अत्यंत खेद हुआ। मनुष्यों से ये कहते हुए सुना कि वो सर्वज्ञ प्रभु को वंदन करने के लिए जा रहे। इंद्रभूति क्रोधित होकर सोचने लगा कि मेरे सर्वज्ञ होते हुए क्या दूसरा भी कोई अपने आप को सर्वज्ञ कहलाता है? ऐसा कान से ना सुनने योग्य ऐसे कटु वचन मुझसे कैसे सुना जाएगा? कदाचित कोई मूर्ख मनुष्य तो धूर्त से ठगा जा सकता है, परंतु इसने तो देवताओं को भी ठग लिया। जो वे देव यज्ञ मंडप और मुझे सर्वज्ञ को छोड़कर वहां पर जा रहे हैं, देवो तुम क्यों भ्रांति में पड़ गए? जो तीर्थ जल को त्यागने वाले कौए के समान, तालाब को त्यागने वाले मेंढक के समान, चंदन को त्यागने वाली मक्खियों के समान, श्रेष्ठ वृक्ष को त्यागने वाले ऊँटों के समान, खीरान्न को त्यागने वाले सुअरों के समान और सूर्य प्रकाश को त्यागने वाले उल्लुओं के समान यज्ञ को त्याग कर आप वहां चले जा रहे हो। जैसा वो सर्वज्ञ होगा वैसे ही ये देव होंगे, समान ही योग मिल चुका है इसीलिए वो लोग वहां जा रहे। कहा भी है कि भ्रमर आम्र वृक्ष के मोर पर गुंजारो करता है और कौवे आतुर होकर नीम के मोर पर ही जाते, तथापि मैं उसके सर्वज्ञपन के आरोपों को सहन नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैं उसके सर्वज्ञ के आरोपों को सहन नहीं करूंगा, मैं जाकर उसका सर्वज्ञ का खंडित करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आकाश में दो सूर्य कैसे रह सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरह मैं और वो दोनों सर्वज्ञ एक साथ इस भूमि पर नहीं हो सकते। फिर उसने प्रभु को वंदन करके वापस लौटते हुए मनुष्यों को हंसी पूर्वक पूछा, अरे लोग तुमने उस सर्वज्ञ को देखा? वो कैसा रूपवान है, उसका क्या स्वरूप है बताओ। अब लोगों ने बताया कि यदि त्रिलोकी गणना परास्या तस्य समाप्ति यदि नायुषस्या पारे परार्धम गणितम यदि स्याद्नेय निःशेष गुणोपि सस्यात्। यदि तीन लोगों के मनुष्य की गिनती करने लगे उसके आयु की समाप्ति ना हो और यदि परार्ध से ऊपर गिनती हो जाए तो वो सर्वज्ञ के गुणों को गिन सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा सुनकर इंद्रभूति भी सोच में पड़ गए कि सचमुच में ही या तो कोई महाधूर्त है या कपट का मंदिर है, अन्यथा इतने लोगों को भ्रम में वो नहीं डाल सकता, इतने लोग भ्रमित नहीं हो सकते, ये जरूर कोई महाधूर्त है। अब मैं इस सर्वज्ञ को क्षण वार भी सहन नहीं कर सकता क्योंकि लोग मुझे छोड़कर उधर जा रहे, इस महाधूर्त को मुझे यहां से हटाना ही होगा। अंधकार के समूह को दूर करने के लिए सूर्य किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। मैंने वादियों के बहुत से इंद्रों को बोलते बंद कर दिया है तो ये बेचारा घर में ही अपने को शूर मानने वाला मेरे सामने क्या चीज है? जिस अग्नि ने बड़े बड़े पर्वतों को भस्म कर डाला उसके सामने वृक्ष क्या चीज है?
जिसने हाथियों को गिरा दिया, ऐसे प्रचंड पवन के सामने रूई की पुणी क्या वस्तु है, तथा मेरे भय से गौड़ देश में जन्मे हुए पंडित दूर देशों में भाग गए, और गुजरात के पंडित तो मेरे भय से जर्जरित होकर त्रासित हो गए हैं, मालव देश के पंडित तो मेरा नाम सुनकर ही मर गए, तेलंग देश के पंडित मेरे डर से क्रूर शरीर वाले हो गए, लाट देश के पंडित मारे डर के बिचारे कहीं दूर भाग गए हैं, और द्रविड़ देश के चतुर पंडित मेरी प्रशंसा सुनकर ही लज्जातुर हो गए। अहो आश्चर्य, अब मैं वादियों का इच्छातुर बना हूँ। तब मेरे लिए जगत में वादियों का दुष्काल पड़ गया। फिर मेरे सामने ये कौन चीज है जो अपने सर्वज्ञपन के मान को धारण करता है। ये विचार कर जब प्रभु के पास जाने के लिए उत्सुक हुए, तब उसे अग्निभूति ने कहा, हे बंधु, उस वादी कीट यानी जंतु के पास आपको जाने की क्या आवश्यकता है। मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि एक कमल को उखाड़ फेंकने के लिए क्या हाथी जोड़ने की जरूरत है। इंद्रपुति बोला, यद्यपि उसे मेरा एक शिष्य भी जीत सकता है, तथापि वादी का नाम सुनकर यहाँ रहा नहीं जाता। जैसे पीलते हुए कोई एक तिल का दाना बाकी रह जाता है, दलते हुए अनाज का एक दाना बाकी रह जाता है, जैसे कि अगस्ती द्वारा समुद्र पीते हुए सरोवर एक बाकी रह जाए और काटते हुए कोई छिलका कहीं पे बाकी रह जाए, वैसे ही मेरे लिए ये एक व्यक्ति जीतने के लिए बाकी रहा हुआ है। तथापि मैं व्यर्थ सर्वज्ञवादी को सहन नहीं कर सकता। इस एक के न जीतने पर मेरी जीत ही नहीं गिनी जा सकती। सती स्त्री एक दफा भी अपने शील व्रत से भ्रष्ट हुए तो वो सदैव असती ही कही जाती है। आश्चर्य है कि तीन जगत में मैंने हजारों वादियों को जीत लिया है, परंतु खिचड़ी की हंडिया में जैसे कोई कोकड़ू मूंग का दाना रह जाता है, क्यों यह एक वादी कैसे बाकी रह गया। यदि मैं इसे ना जीतूं तो जगत को जीतने के प्राप्त किया हुआ मेरा यश भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर में रहा हुआ एक शल्य शरीर के नाश का हेतु बनता है। क्या जहाज में पड़ा हुआ छिद्र उसे डुबो नहीं देता, क्यों ही एक ईंट निकालने से मेरा सारा मकान गिर जाता है। ऐसा सोचकर मस्तिष्क पर द्वादश तिलक को धारण करके सुवर्ण के यज्ञोपवीत से विभूषित होकर पीत वस्त्र पहनकर हाथ में पुस्तक धारण करने वाले बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर तथा जिनके हाथ में कमंडल है ऐसे शिष्यों से वेष्टित हो और जिनके हाथ में दर्प के आसन है, कितने कैसे शिष्य सहित इंद्रपुति वहाँ से प्रभु की ओर चलता है। उस वक्त उसके शिष्य उसकी प्रशंसा के नारे लगाते हुए कहते हैं, हे सरस्वती कंठाभरण, हे वादी विजय लक्ष्मी के शरण समान, हे वादियों के मत को उतारने वाले, हे वादी रूप हाथियों के मत को उतारने वाले, हे वादियों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, हे वादी रूप सिंहों को अष्टापद के समान, हे वादियों के समूह के राजा, हे वादियों के सिर पर काल समान, हे वादी रूप केले को कृपाण के तुल्य, हे वादी रूप अंधकार के प्रति सूर्य समान, हे वादी रूप गंधर्व को पीसने के चक्की के समान, हे वादी मद मर्दन करने वाले, हे वादी रूप घड़े के लिए मुदगर समान, हे वादी रूप उल्लुओं के लिए सूर्य तुल्य, हे वादी रूप समुद्र के लिए अगस्ती के समान, हे वादी रूप वृक्ष को उखाड़ फेंकने में हाथी के समान, हे वादी रूप देवों में इंद्र के समान, हे वादी रूप गरुड़ के प्रति गोविंदक के समान, हे वादी रूप मनुष्यों के राजा, हे वादी रूप कंस को मारने में कृष्ण के समान, हे वादी रूप मृग के लिए सिंह के समान, हे वादी रूप ज्वर के प्रति धन्वंतरी वैद्य के समान, हे वादियों के समूह में मल्ल के समान, हे वादियों के हृदय के शल्य समान, हे वादी रूप पतंगों को दीपक समान, हे वादी समूह के मुकुट समान, हे अनेक वादों को जीतने वाले पंडित शिरोमणि, हे सरस्वती का प्रसाद प्राप्त करने वाले, तेरी जय जय हो, जय हो।
इस प्रकार बिरुदावली के नारों से जिन्होंने आकाश तल को गुंजायमान कर दिया है, उन 500 शिष्यों द्वारा परिवेष्टित इंद्रभूति प्रभु के पास जाते हुए रास्ते में सोचता है, भला इस दुष्ट ने ये क्या कर दिया कि मुझे सर्वज्ञ मिथ्या आडंबरों से क्रोधित किया। ये तो मेंढक काले नाक को लाते मारने के लिए तैयार हुआ है, या चूहा अपने दांतों से बिल्ली के दांत तोड़ने के लिए तैयार हुआ है, अथवा बैल अपनी सींगों से इंद्र के हाथी को मारने की इच्छा करता है, अथवा हाथी अपने दांतों से पर्वत को गिरा देने का प्रयत्न करता है, या खरगोश सी की केशराओं को खींचना चाहता है कि जो ये मेरे सामने लोक में अपना सर्वज्ञपन प्रसिद्ध करता है, शेष नाग के मस्तक पर रहे हुए मणि को लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है, क्योंकि इसने मुझे सर्वज्ञ के अभिमान से कोपायमान किया है। पवन के सन्मुख होकर इसने दावानल को सुलगाया है। इसने शरीर सुख की इच्छा से कौंच की फली को आलिंगन किया है। खैर, इन विचारों में क्या मैं अभी जाकर उसे निरुत्तर कर देता हूँ, क्योंकि अब तक सूर्य नहीं उगता। जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक ही खद्योत खट बीजने के और चंद्रमा गरजते हैं। खद्योत खट बीजने और चंद्रमा गरजते हैं, परंतु सूर्योदय होते ही वे स्वयं फीके पड़ जाते हैं। हे हरिण हाथी घोड़ों के समूह, तुम शीघ्र ही इस जंगल में से दूर भाग जाओ, क्योंकि आटोप सहित कोप से स्फुरायमान केशराओं वाला यहाँ पर केशरी सिंह आ रहा है। मेरे भाग्य से ही ये वादी यहाँ आ पहुँचा है, अतः सचमुच ही मैं आज उसकी जीभ की खुजली कर दूंगा। लक्षण शास्त्र में तो मेरी दक्षता है ही, साहित्य शास्त्र में भी मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, तर्क शास्त्र में तो मैंने निपुणता प्राप्त की है, इसीलिए वह शास्त्र ही कौन सा है जिसमें मैंने परिश्रम नहीं किया है। पंडितों के लिए कौन सा रस अपोषित है, चक्रवर्ती के लिए क्या अजय है, वज्र के लिए क्या अभेद्य है, महात्माओं के लिए क्या असाध्य है, भूखों के लिए क्या अखाद्य है, खल मनुष्यों के लिए कौन सा वचन अवाच्य है, कल्प वृक्ष के लिए ना देने लायक क्या है, वैराग्य के लिए क्या त्याज्य है। इसी प्रकार तीन लोक को जीतने वाले तथा महापराक्रमी ऐसे मेरे लिए विश्व में क्या अजेय है, अतः अभी जाकर उसे जीत लेता हूँ। इत्यादि विचारों में इंद्रभूति समोसरण के दरवाजे पर आ पहुँचा। पहली ही पौड़ी पर ठहर गया है इंद्रभूति और परमात्मा को नीचे से ही देख रहा है, दर्शन नीचे से ही हो गए हैं, और सोच में पड़ गया इंद्रभूति, विचार में पड़ गया कि क्या ये ब्रह्मा विष्णु या सदाशिव शंकर है। नहीं सो, ये वो तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो वृद्ध है और विष्णु श्याम है तथा शंकर पार्वती सहित है, ये तीनों में से ये कोई नहीं है। तो क्या ये चंद्रमा है? नहीं, वो भी कलंक से युक्त है। तो क्या ये सूर्य है? नहीं नहीं, सूर्य भी नहीं हो सकता, सूर्य तो तीव्र कांति वाला है। तो क्या ये मेरु है? नहीं, वो तो नितांत कठिन है, पत्थर है। तो क्या ये कामदेव है? नहीं नहीं, कामदेव तो शरीर रहित है, उसको तो शरीर ही नहीं। हाँ, अब मैंने जाना कि ये दोष रहित सर्वगुण संपन्न अंतिम तीर्थंकर होंगे, जो होने वाले हैं, तो ये जरूर अंतिम तीर्थंकर है। सुवर्ण सिंहासन पर बैठे इंद्रों से पूजित श्री वीर प्रभु, उसको देखकर गौतम इंद्रभूति गौतम सोचने लग गए कि अब मैं पूर्व उपार्जित किए हुए महत्व को किस तरह रख पाऊंगा, मैंने पहले जो जो उपार्जन किया है उसको, उस महत्व को मैं कैसे रखूं, मैं कैसे उनसे बातचीत शुरू करूं। एक किलिका के लिए मैंने महल को गिराने की इच्छा कर दी, ये तो एक बड़ा महल है और मैं खुद एक किलिका हूं। एक को ना जीतने से क्या मेरी मानहानि होती थी, मैं जगत को जीतने वाला हूँ, ऐसा नाम अब मैं कैसे रख सकूँगा। अब इसको अगर मैं नहीं जीतने आता तो क्या फ़र्क पड़ता था, वो यहीं से ही शांत हो गया। अब मैंने ये विचार रहित कार्य किया है, जो मैं मंद बुद्धि इस जगदीश के अवतार को जीतने आ गया,
अरे ये तो तीर्थंकर है, उसको पता था क्योंकि तीर्थंकर होने वाले ये तो सबको पता था। तो वो सोच में पड़ गया कि अरे मैं यहाँ नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता था, अगर एक को मैं नहीं जीतता तो क्या मेरी माना नहीं हो जाती। मैं ही मूर्ख हूँ जो मंद बुद्धि हूँ, जो इस जगदीश के अवतार को जीतने के लिए आ गया हूँ। अब मैं किस तरह उसके पास जाऊँ और कैसे उस वहाँ पर जाकर बोल पाऊँगा, अब मैं संकट में पड़ चुका हूँ, अब तो शिव जी ही मेरे यश की रक्षा करेंगे। यदि कदाचित भाग्योदय से मेरी यहाँ जीत हो जाए तो मैं विश्व भर में पंडित शिरोमणि कहलाऊँगा। इस प्रकार विचार करते हुए इंद्रभूति को प्रभु का नाम और गोत्र उच्चारण पूर्वक, अब इंद्रभूति ऐसा सोच रहा है उतने में प्रभु ने सामने से ही उसका नाम और उसका गोत्र दोनों मिठास से प्रभु ने आवाज दी, दोनों प्रभु ने दोनों से नाम से उसको प्रभु ने बुलाया। उसका नाम है इंद्रभूति, उसका गोत्र है गौतम। तो प्रभु बोल रहे हैं मीठी वाणी से कि हे गौतम इंद्रभूति, तू यहाँ सुखपूर्वक आया है ना। प्रभु के ये वचन सुनकर वो सोचने लग गया, अरे ये क्या, ये तो मेरा नाम भी जानता है, तीन जगत में विख्यात हूँ मैं, मेरा नाम कौन नहीं जानता। क्या सूर्य किसी से छिपा हुआ थोड़ी रह सकता है। यदि ये मेरे मन में रहे हुए गुप्त संदेह को बतला दे तो मैं इसे सर्वज्ञ मान। इंद्रभूति ने यही सोच लिया कि अगर मेरी शंका का ये समाधान करे तो मैं इसे सर्वज्ञ मानूंगा। इस तरह विचार करते करते इंद्रभूति को श्री वीर प्रभु ने सामने से पूछा है। प्रभु तो मन प्रयोग ज्ञान जान लेते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है, अब तो ये केवली बन चुके हैं भगवान। क्या तेरे मन में जीव के विषय में संदेह है, क्या तू ऐसा सोच रहा है कि जीव है कि नहीं, तेरे मन में जीव के प्रति संदेह है। तू वेद पदों के अर्थ को ठीक तरह से नहीं विचार रहा है, तूने वेद के पदों का अर्थ ठीक तरह से नहीं किया इसीलिए तुझे इसका संदेह रहा है। उन वेद पदों को ही तू सुन, परमात्मा ने उनको वेद पद ही सुनाए हैं और वेद पद का ही अर्थ गलत किया इसीलिए तू जीव के मामले में नहीं जान पाए। इसका अर्थ ये है कि वेद पद में भी जीव का अर्थ छुपा ही था। फिर प्रभु द्वारा उच्चारण किए गए वेद पदों का ध्वनि मंथन करते हुए समुद्र के समान अथवा गंगापुर के समान या आदि ब्रह्म की वाणी के समान शोभ रहा था। परमात्मा ने ऐसे शोभित स्वर में वेद पद का अर्थ किया। वेद के पद नीच निम्न अनुसार थे, विज्ञान घन एवं तेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्ये बानु विनश्यति न प्रेत्य संगनास्ति ती। प्रथम तो तू उन पदों का ऐसा अर्थ करता है कि विज्ञान घन गमनागमन की चेष्टा वाला आत्मा एतेभ्यो भूतेभ्यः पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांचों भूतों को में मध्यांग में मद शक्ति के समान उत्पन्न होकर उन भूतों के साथ ही नाश पाता है। देखिए परमात्मा गौतम स्वामी को वेद के ही मंत्र समझा रहे हैं। हमारे लिए ये जानना यहाँ बहुत जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है कि वेद के अंदर भी मोक्ष मार्ग जीव कैसे मोक्ष हो सकता है, यही अर्थ छुपा हुआ है। परमात्मा गौतम स्वामी को ये कह रहे हैं कि तूने वेद का अर्थ ही गलत किया है, अगर तू वेद का सही अर्थ करता तो तुझे जीव की शंका निकल जाती। परमात्मा कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच भूत है। वेद कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच भूत है, बराबर। इन पांचों भूतों से मध्यांग में मद शक्ति के समान उत्पन्न होकर उन भूतों के साथ ही नाश पाता है, यानी कि पानी में बुलबुले के समान उसी में लीन हो जाता है। इन पांचों भूतों में मध्य अंग के मद मध्यांग के मद शक्ति, यानी कि जैसे कि दारू के अंदर मध्य के अंदर जो मद का पावर होता है मद शक्ति होती है उसके समान, उसी पांचों भूतों में के साथ ही जीव उस पांचों भूतों के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए पंचभूतों से भिन्न आत्मा ना होने के कारण प्रेत्य संज्ञा नहीं है। इन पांचों भूतों से भिन्न आत्मा, आत्मा भिन्न नहीं है, इन पांचों पंचभूतों से भिन्न आत्मा नहीं होने के कारण
प्रेत संज्ञा नहीं है, ऐसा तूने उसका अर्थ इस प्रकार से किया है, यानी कि मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं है। देखिए, जीव का पुनर्जन्म नहीं है ऐसा ये वाक्य का अर्थ किया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मध्य के अंदर मद की शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है और अपने आप वो शांत हो जाती है, इसी प्रकार से तुमने यही सोचा कि ये पांच भूत में ही ये जीव उत्पन्न हुआ और पांच भूत के साथ ही ये आत्मा नष्ट हो गया, तो तूने उसको अलग नहीं समझा। पांच भूत से आत्मा अलग है, इसको तूने नहीं समझा है। और उसके कारण प्रेत्य संज्ञा नहीं है, वो अलग नहीं है। मृत्यु के बाद उसका वो इसी कारण से मृत्यु के बाद जीव का पुनर्जन्म भी नहीं है, क्योंकि तुम ये समझता हो, तुमने इसका अर्थ ऐसा किया कि पांच भूतों के साथ ही आत्मा का भी नष्ट हो गया, तो अब ये पुनर्जन्म तो कैसे लेगा, क्योंकि आत्मा खुद ही नष्ट हो चुका है, जीव खुद ही नष्ट हो चुका है। परंतु ये अर्थ अयुक्त है, भगवान ने कहा ये अर्थ सही नहीं है। हमारे कहे मुजब अब तू उसका ठीक से अर्थ सुन। वही सूत्र है, परमात्मा अलग से बता रहे हैं, विज्ञान घन। विज्ञान घन का पद का अर्थ क्या है? विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन का उपयोगात्मक। विज्ञान घन एवै तेभ्यो भूतेभ्यः, विज्ञान घन ज्ञान दर्शन का उपयोगात्मक विघ्न आत्मा भी। देखिए, विज्ञान यानी कि ज्ञान दर्शन, उसका उपयोगात्मक, उसको उपयोग में लाने वाला विघ्न आत्मा यानी कि ज्ञानी आत्मा। आत्मा ज्ञानी है, वो ज्ञान और दर्शन का उपयोग करने वाला है, बराबर। परमात्मा ये बता रहे, आत्मा भी तन्मय होने से, पर वो तन्मय है, वो जहाँ पर जैसे विज्ञान में तन्मय है, ज्ञान और दर्शन में तन्मय है, इसे ऐसे ही वो कर्म करने में भी तन्मय। ज्ञान और विज्ञान जानने की उसकी जिज्ञासा है, ऐसे ही कर्म करना या कोई भी ज्ञान लेना पाना छोड़ना सब में वो तन्मय, आत्मा तन्मय होता है। परमात्मा ये कह रहा, आत्मा भी तन्मय होने से विज्ञान घन कहा जाता है। देखिए, परमात्मा की ये बात मत मात्र विज्ञान घन की बात है, विज्ञान घन, घन स्वरूप आत्मा विज्ञान है, यानी कि वो ज्ञान और दर्शन का उपयोग करता है। प्रत्येक ज्ञान और दर्शन को वो उपयोग में लेता है, प्रत्येक ज्ञान और दर्शन को वो जानता है, इकट्ठा करता है, अपने पास संग्रह करता है, बराबर। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर प्रति ज्ञान के अनंत पर्याय है। देखिए, अब आत्मा जो भी ज्ञान लेगा, जो भी दर्शन देखेगा और जो सोचेगा, देखेगा सोचेगा सारा अपने आत्म प्रदेश के ऊपर वो उसके उसका संग्रह करता जाता है, बराबर। क्योंकि वो उपयोगात्मक विघ्न आत्मा है, ये आत्मा विघ्न है, जानता है कि मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ, ये ज्ञान को मैं अपने अंदर संग्रह कैसे कर सकता हूँ। आज आपको ये पता चला कि आत्मा क्या है, आत्मा चुप नहीं बैठता है, आत्मा प्रति क्षण प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करता है और ग्रहण कर करके अपने प्रदेशों में उसका संग्रह करता है, बराबर। प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक दर्शन, छोटी छोटी बात कोई भी हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी दर्शन, तो प्रत्येक आ गया है। दर्शन में मिथ्यात्व भी आ गया, दर्शन में सम्यकत्व भी आ गया, तो सम्यकत्व वाला भी दर्शन वो स्वीकार देखेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, और मिथ्यात्व वाला दर्शन भी वो देखेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। अपने प्रत्येक प्रदेश पर प्रति ज्ञान के अनंत पर्याय वो लगाते जाएगा। अब वो विज्ञान घन उपयोगात्मक आत्मा, देखिए आत्मा का एक बहुत अच्छा सा नाम परमात्मा ने दिया है, विज्ञान घन उपयोगात्मक आत्मा, बराबर। विज्ञान घन उपयोगात्मक आत्मा, अब ये विज्ञान घन उपयोगात्मक आत्मा, ये जो पूरा नाम है ना, ये परमात्मा का दिया हुआ है। इससे आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि आत्मा की के लक्षण क्या है। आत्मा का लक्षण उपयोग लक्षणम, ये हम जानते हैं, जीव उपयोग उपयोग जीवस्य लक्षणम, ये हम जानते हैं ना, जानते थे पर इस प्रकार से नहीं जानते थे। आज कल्पसूत्र से ये पाठ मिला है कि उपयोगात्मक विज्ञान घन उपयोगात्मक आत्मा, विशिष्ट ज्ञान दर्शन का धारक ऐसा घन घन स्वरूप आत्मा,
उपयोगात्मक है, प्रत्येक चीज का वो उपयोग करता है, प्रत्येक ज्ञान का उपयोग, प्रत्येक दर्शन में वो अपना उपयोग डालता है, बराबर। कथनचित भूतों से या भूतों से, कभी कभी भूतों से, भूत यानी पंचमहाभूत जो वेद में बताए गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कथनचित क्यारेक क्यारेक भूतों से और क्यारेक क्यारेक भूतों के विकार से, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश के विकार भी तो होते हैं, उसके विकार से घटादि से वो उत्पन्न होता है। आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, अपने ऊपर उपयोग कर करके, जैसे कि मान लो कि आत्मा के आत्मा ने अपने पर्याय पर जो कर्म लगाए हैं वो कर्म का जब भी ये पंचमहाभूत के साथ तादात्म्य करेगा तो उसके विकार रूप घट से, घट यानी शरीर, घट यानी मनुष्य का ऐसा पंचमहाभूत का शरीर, बराबर, घटादि से वो उत्पन्न होता है। उसको उत्पन्न होने के लिए घट चाहिए, आत्मा को उत्पन्न होने के लिए पंचमहाभूत का शरीर चाहिए, उसके बगैर वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा और उसके बगैर वो उपयोग नहीं कर पाएगा, बराबर। विज्ञान घन आत्मा है तो उसके लिए इंद्रिय चाहिए कि नहीं? अगर इंद्रिय ही नहीं है तो आत्मा उपयोग कैसे करेगा? तो उसको अपना उपयोग चालू रखने के लिए ऐसा घट चाहिए, भूतों से बना हुआ, भूतों से बना हुआ घट चाहिए। भूत यानी पृथ्वी भूत, जल भूत, अग्नि भूत, वायु भूत, आकाश भूत, पंच महाभूत, उससे वो अपने ये शरीर की उत्पत्ति घटादि से करेगा, घटादिक ज्ञान से। अब घटादिक की बात की है, घटादिक ज्ञान से परिणत जो उपयोगात्मक आत्मा है, यानी कि इसे घटादिक ज्ञान से परिणत हो गया, आत्मा घट के अंदर ही आ गया, आत्मा घट के अंदर समा गया है, परमात्मा कह रहे हैं कि ये आत्मा ने अपना उपयोग चालू रखने के लिए घटादि का उत्पन्न उत्पत्ति की, ये घट की उत्पत्ति की, माँ के गर्भ में वो आत्मा ने प्रवेश किया और वो जो वीर्य और रज की मात्रा पड़ी थी उसका आहार करके उसमें से अपना घट उसने बनाया ना, गर्भ में प्रवेश करके आत्मा ने अपना घट बनाया, घट यानी शरीर, उसने अपना शरीर बनाया और बनाने के बाद उपयोगात्मक आत्मा वह हेतुभूत घटादि से ही उसने हेतु यानी कि कारण, हेतु यानी कि हेतु का अर्थ महत्व, हेतु का अर्थ है उसकी उसके जो जो कार्य कारण भाव, अब उसको क्या क्या करना है, क्या क्या उपयोगात्मक वो करता जाएगा, घट से उत्पन्न हो गया और अपने अपने कार्यों को आगे आगे बढ़ाता जाएगा। तो आत्मा शरीर को उत्पन्न करता है अपने अपने हेतुभूत घटादि से, कारण को उपयोगात्मक लाने के लिए, अपने हेतु को उपयोग में लाने के लिए। हम अभी मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी, मेरी आत्मा ने जो जो सोचा हुआ है उसको हेतुभूत कारण बनाना है, इसलिए मैं मेरे माता पिता के गर्भ में गई, मेरा आत्मा गया और वहाँ जाकर उसने ये बिंदु का घट या शरीर उत्पन्न किया। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब ये घट उत्पन्न करने के बाद देखिए, अंदर बिंदु की आत्मा ने घट उत्पन्न, बिंदु के शरीर का घट उत्पन्न किया, तो उत्पन्न किया मतलब दोनों अलग है ना, तभी तो उसने किया। अब शरीर खत्म हो जाएगा, उसके साथ बिंदु खत्म नहीं हो जाए। परमात्मा कह रहे हैं बस गौतम तूने ये अर्थ गलत किया, परिणाम को घटादि का सापेक्ष पन रहा हुआ है, परिणाम हुआ है, क्योंकि परिणाम को घटादि सापेक्ष है और आत्मा निरपेक्ष है। परमात्मा ये कह रहे हैं घटादि सापेक्ष परिणाम है और आत्मा निरपेक्ष परिणाम है, परिणाम को घटादि का सापेक्ष रहा हुआ है, बराबर। जो परिणति हो गई, जो व्यवस्था बन गई, जो एक घट बन गया, वो परिणाम हुआ है, एक परिणाम रूप है, वो सापेक्ष है और वो घटादि परिणाम इस तरह भूत रूप घटादिक वस्तुओं का यहाँ पर परिणाम शरीर का बना है और उपयोगात्मक जीव अंदर पैदा होकर पंचमहाभूत को इकट्ठा करके उसके अंदर ही पूरा पूरा समा जाता है। तो शरीर के अंदर आत्मा पूरा समा चुका है, बराबर। अब अगर इन घटादि वस्तुओं का नाश हो जाए, मान लो कि ये जो शरीर का नाश हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो अंदर पड़ा हुआ जो उपयोगात्मक आत्मा जो है ना, उपयोगात्मक आत्मा जो ज्ञान दर्शन विज्ञान घन
विज्ञान घन है, वो विशिष्ट ज्ञान रूप घन है आत्मा, बराबर। वो अंदर पड़ा हुआ है, शरीर अगर नष्ट हो जाए तो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। आत्मा भी उत्पन्न हुआ, उपयोगात्मक आत्मा भी वो शरीर से नष्ट होकर बाहर निकल जाएगा और दूसरे उपयोग तया उत्पन्न हो जाएगा। परमात्मा ये जवाब दे रहे, मान लो कि अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो अब ये आत्मा दूसरे उपयोग में वो परिणत हो जाएगा और दूसरी जगह जाकर फिर से वो अपना उपयोगात्मक घट बना देगा, क्योंकि वो उपयोगात्मक है, उसको तो ये उपयोग करना आता है। जीव को ये उपयोग आता है, जीव का लक्षण ही उपयोग है। उपयोग जीवस्य लक्षणम, उपयोग करना ही जीव का लक्षण है। हमेशा कोई ना कोई उपयोग में वो लगा ही रहता है, उसके ऊपर ज्ञान के अनंत पर्याय लगे हुए, उसका वो उपयोग लेता है। ज्ञान के पर्यायों के कारण ही वो नई 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 कर्म की व्यवस्था खड़ी करता ही रहता है। ऐसे ही वो शरीर भी बनाता रहता है। मतलब ये हो गया कि जब जीव है, जीव शरीर के साथ नष्ट नहीं होता है, बराबर। किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होने पर तत्जन्य उपयोगात्मक आत्मा भी नष्ट होकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब पंच महाभूत भी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वापस अपने अपने भूत में चले जाते हैं, और आत्मा भी तुरंत ही वही दूसरा भूत ग्रहण करके दूसरा शरीर बनाना शुरू कर लेता है। इसलिए घटादि के उपयोग पहली संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वर्तमान उपयोग तथा घटादि की संज्ञा नष्ट हो चुकी है। इस तरह ये आत्मा ज्ञानमय है, जो दया दम दान एवं दया, इन तीनों दकार, तीन दकार याद रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमने आज पहली बार ही सुना है। आत्मा ज्ञानमय है जो दम दान और दया, दम दान और दया, दम यानी दमन, बराबर। वो बराबर शरीर को ठीक से दमन करता है, दम फिर दान और दया, ये तीनों दकारों को जो जाने वो है जीव यानी कि आत्मा। आत्मा को ये तीनों दकार पता है, दम भी पता है, दान भी पता है और दया भी पता है। वो जीवात्मा तथा भोग्य और भोक्ता भाव से, भोग्य शरीर है, भोक्ता भाव आत्मा से भी, शरीर भोग्य और आत्मा उसका भोक्ता, भोग्य शरीर और आत्मा उसका भोक्ता है। जैसे चावल भोग्य है तो उसका भोक्ता भी है, अगर कोई भोग्य हो तो उसका भोक्ता भी होता ही है, इत्यादि अनुमान से भी आत्मा सिद्ध होता है। जैसे दूध में घी, दूध है तो अंदर घी भी पड़ा ही हुआ है अंदर ही, तेल है तो अंदर तेल पड़ा ही हुआ है, अलग नहीं हो किया है बस। काष्ठ में अग्नि, पुष्प में सुगंध, चंद्रकांत में अमृत रहता है, बराबर इसी तरह से शरीर आत्मा भी शरीर में पृथक रहता है, अलग रहता है। इस प्रकार प्रभु के वचनों से संदेह नष्ट हो जाने पर इंद्रभूति ने 500 शिष्यों सहित प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी वक्त प्रभु के मुख से उपनेवा विग्मेवा धुएवा इस त्रिपदी को प्राप्त करके उसने द्वादशांगी की रचना भी की। देखिए, इंद्रभूति ने परमात्मा से तो लगाव उसको बहुत ही था, जन्मों से था, पिछले तीन तीन जन्म तो हम जानते हैं, उससे भी ज़्यादा आगे के जन्मों से उसको था, तो स्वाभाविक थे कि भगवान के सामने जाते ही वो सरेंडर, शरणागत होना है ना, उसको परमात्मा के सामने आते ही शरणागत होना, और वो शरणागत हो भी गया और उसने अच्छी तरह से परमात्मा की बात समझ ली, उसके शंका का क्षय हो गया, 500 शिष्य के साथ दीक्षा ले ली। परमात्मा ने उसे वासक्षेप देकर त्रिपदी भी दे दी, उपनेवा विग्मेवा धुएवा, और इस प्रकार से द्वादशांगी की रचना हुई। बोलो श्री गौतम स्वामी भगवान की जय। इस तरह से पहला गंधर्वाद समाप्त हुआ। हाँ बोल बोल। दम दान अने दया, तीन दकार हमको इजीली समझ में आ जाए इसीलिए बताया है। दम आत्मा को दमन करना, आत्मा को शरीर, देखिए आत्मा खुद शरीर बनाती है ना, और ये शरीर पर कंट्रोल आत्मा ही करती है। दमन का अर्थ होता है कंट्रोल, तो जिसमें वो रहेगी उस पर कंट्रोल करेगी। हाँ, इसीलिए दमन आ गया, फिर दान आ गया। दान
दान में भी क्या होता है कि आत्मा के जो आठों के आठों गुण पड़े हैं ना, वो गुण शुभ भाव के लिए पड़े हुए हैं। मतलब आत्मा कभी भी अशुभ भाव में कार्य करे ये पॉसिबल नहीं है। उसमें भी खास करके विज्ञान घन, विज्ञान आत्मा, विशिष्ट दर्शन ज्ञान वाली आत्मा उपयोग करते करते दान को सबसे पहले अपने दिमाग में रखती है। दान सारे आ गए, अभय दान आ गए, विद्या दान आ गया, ज्ञान दान आ गया, सब आ गया, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञान दे पाएगा। इसलिए दान उसका गुण हो गया और दया भी उसका गुण हो गया। अगर दान, दया और दम, ये तीन उसके गुण नहीं होते ना, तो आत्मा मोक्ष ही नहीं जा पाती। जा पाती बताओ? दया और दान नहीं होते तो आप मोक्ष जा ही नहीं सकते ना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दया दान है तभी मोक्ष की इच्छा होती, नहीं तो ये संसार कोई दमन करने की इच्छा नहीं होती कि भी मैं। आप देखिए, अब उल्टा देखिए, जो मिथ्यात्वी है, जो यहीं रहने वाले, हमेशा वैर भाव में ही रहते कि नहीं, कैसे इसको खत्म करूं, कैसे मेरे कर्म ले लूं, कैसे। आप देखो संगम देव कितनी परेशान करके गया भगवान को, सोचा ही नहीं कुछ। वो गौशाला मरने के बाद सातवीं नारकी में गया, त्रिपुरुष वासुदेव में भगवान ने भी उसके कान में शीशे डलवाए, गए सातवीं नारकी में। अब इसने कान में वो कीले ठोके, वो भी गया सातवीं नारकी में। तो कहने का अर्थ ये है कि दमन करना तो आत्मा के अंदर गुण में पड़ा ही है ना, तो दमन तो पड़ा ही पड़ा है, पर दान और दया भी पड़ा है। दान और दया को अगर आप उत्थान कर दोगे तो अपने आप आत्मा को आप मोक्ष करा पाओगे संसार से। इसलिए तीन गुण जिसको जाने, जो जान पाए वो ही है जीवात्मा। संसारी जीव दमन करता है और मोक्ष की है, मोक्ष जाने वाली आत्मा दान और दया करता है। तो तीनों आ गए आत्मा के गुण में। हाँ, तो ये तीनों को जानने वाले को ही आत्मा, जीव, जीवात्मा कहा जाता है। दया, दान और दम, ये तीन को जो जाने वो ही है जीवात्मा। बराबर बराबर बोलो, कोई प्रश्न और कोई? तो आत्मा खराब काम ना करे तो आपने खराब काम करिए छे के? आपने खराब काम इतले करिए छे के आप अंदर जी दमन तो होय ने, दरेक मा दम तो होय के नहीं, आत्मा दमनी साथे छे એટલે ખરાબ કામ ભી કરે છે। મને આ જ જોઈએ છે, જ્ઞાન છે ને, શુભાત્મા નથી કરતો, શુભાત્મા નથી કરતો। હા બસ, એ શુભાત્મા ત્યારે જ થાય જ્યારે દાન અને દયાને એ મહત્વ આપશે। એટલે અહીંયા ત્રણેય વસ્તુ આવી ગઈ, ઓકે, ત્રણેય વસ્તુ આત્માની અંદર ત્રણેય પડ્યું, હવે એમાંથી તમે શું પકડો છો એ છે। તમે દમ જ પકડ્યો છે, આ સંસારી આત્મા દમ જ પકડવાનો છે। જ્યાં સુધી તમે દમ પકડ્યું છે ને ત્યાં સુધી તમે સંસારથી બહાર નથી। જેવું દાન અને દયા પકડશો ને, આત્મા એને પણ જાણે છે પણ આપણને ગમતું નથી ને, દાન આપણને ખબર છે છતાં આપવું ગમતું નથી, ભાઈ મને કાલે જોઈએ તો હું ક્યાં બીજા પાસે માંગવા જઉં। હા, એટલે દમન પણ તો છે જ ને, કે હું લોકો ઉપર સત્તા કરું, કોઈ મારા ઉપર સત્તા ન કરે, આ દમન છે કે નહીં આત્મામાં? આજે કોઈને પણ નાનું બચ્ચું ભી હશે અથવા પેલું એક પેલો જાનવર ભી હશે તો કેવું સીધું ભોંકો આવી જાય સામે, જો એની પૂંછડી પર પગ પડી જાય તો। એટલે એવું છે એમ, દમ તો દરેક આત્માની અંદર ભરેલું જ પડ્યું છે। તમે દમમાંથી બહાર નીકળશો તો જ તમને પેલું દાન અને દયા પર જીવાત્મા કામ કરશે। જીવાત્માનું કામ કરવાનું, જીવાત્મા કામ જ કર્યા કરે છે। તમે દમન આપ્યું તો દમન પર કામ કરશે, ના આપો તો આના પર કરશે। એટલે જે કર્મના પર્યાય લાગેલા હશે એ કરે, એ કર્મના પર્યાય અનુસાર જીવાત્મા કામ કરશે। બરાબર બરાબર હા બરાબર ચાલો એક મિનિટ ફોન બદલું છું હા।